वेलकम टू बायोविंडस क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गितेंद्र सिंह तो चलिए बेटा एनिमल किंगडम में आगे बढ़ते हैं तो अभी तक एनिमल किंगडम में हम क्या-क्या देख चुके हैं मतलब हम एनिमल्स की दुनिया में जाके किन-किन एनिमल्स को हम समझ चुके हैं हमने पोरीफेरा को देखा हमने सिलेंटेटा को देखा हमने टीनोफोरा को देखा हमने प्लैटीहेल्मिंथस को देखा हमने एस्केल्मिंथस को देखा हमने एनेलिडा को देखा हमने आर्थ्रोपोडा को देखा हमने मोलस्का को देखा और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम देखने वाले हैं इकाइनोडर्मेटा को ठीक है ना बेटा तो अभी तक हमने और मैंने आपसे कहा था ना आप यदि जो है वो एक प्रकार से आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक फाइलम में पांच छह ऐसे यूनिक फीचर हैं जो दूसरे किसी फाइलम में देखने नहीं मिलते हैं अदरवाइज कई फीचर कॉमन टाइप के हैं जिसे मैंने आपसे कहा कि डिप्लोब्लास्टिक बोले तो हमने क्या कहा कि सिलेंटेटा टीनोफोरा डिप्लो ब्लास्टिक है। को भी चलो हम शामिल कर लेते हैं जनरली जनरलीफेरा में सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसको हम शामिल नहीं करते पर कई बार जो है वो एग्जाम में आ जाता तो हमने कहा चलो इसको भी डिप्लोब्लास्टिक मान लिया हमने सिलेंटेटा एंड पोरीफराट के इसके बाद हमने कहा सब के सब ट्रिप्लो है मतलब ट्रिप्लो वर्ड कॉमन हो गया प्लेटी हेलमिंटर से लेके कॉर्डेटा तक फिर हमने क्या कहा हमने कहा रेडियल सिमिट्री तो कहां पर होती है में में होती है, में होती है, है और एडल्ट इकाइनोडरमिटा में होती है पोरिफोरा में सिमिट्री नहीं होती है बाकी सब में बायोलिटल सिमिट्री होती है चलो बात करते हैं सीलोम की तो मैंने क्या कहा मैंने कहा आपसे कि सीलोम जो है वो पहली बार पहली बार सीलोम का निर्माण देखा गया

कि हम पिछला भूले नहीं है हमें पिछला सब कुछ बेटा याद है वो दिमाग में रहना चाहिए ठीक है ना चलिए तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे ऑर्थोपेडा पे कुछ क्वेश्चन कर लू कोई दिक्कत तो नहीं है चलो ठीक है ऑर्थोपेडा पे क्वेश्चन नंबर वन मेरा आपसे ये है कि आपको बताना है बेटा कि व्हाट आर दी रेस्पे जो है ये शायद आर्थोपुटा के क्वेश्चन तो मैं आपसे कर चुका था तो मैं अभी क्वेश्चन आर्थोपुटा पर नहीं करूंगा मोलास्का पर करूंगा भूल गया था चलो ठीक है ना मोलास्का पर क्वेश्चन करते हैं तो के अंदर आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या देखने मिलता है आपको के में रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको क्या देखने मिलता है मोस्ट ऑफ दी दोलास्का में रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम क्या होता है एंड वॉट इज लोकेशन और इसका लोकेशन कहां पर होता है ठीक है एंड वॉट इज फंक्शन ऑफ रेडुला रेडुला का फंक्शन क्या होता है वॉट इज दी फंक्शन ऑफ रेडुला रेडुला का फंक्शन क्या, क्या, होता, है? क्या उसका होता है और रेडुला का चलिए तो आगे बढ़ते आज हम बात करते हैं किसके ऊपर हम बात करते हैं इकाइनो डरमेटा के ऊपर अच्छा बेटा देखो एक बात हम चलो मैं अपने आपको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको स्क्रीन दिखाई पड़े तो अभी मैं क्या बात था मैं आपसे बोलता कि इकाइनो डरमेटा चलो है ना एक बात तो हम जानते हैं कि स्किन की बीमारी होगी किसके पास जाओगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे डरमा मतलब स्किन ठीक है तो हमने क्या बोला डरमेटा मतलब स्किन ठीक है अब एक वर्ड आता है इकाइनस एक वर्ड इकाइनस या इकाइनो मतलब होता है स्पाइनी ठीक है नुकीला ठीक है नाम को समझो पहले के मतलब ऐसे एनिमल जिनकी स्किन पर नुकीले उभार निकले होते हैं उन्हें हम इकाइनो डरमेटा कहते हैं इनकी स्किन पे आपको उभार दिखाई पड़ते हैं जैसे आप देख रहे हो इस इमेज के अंदर आपको स्किन में उभार दिखाई दे रहे हैं ये क्या है बेटा ये उभार ही जो है इसी के आधार पर हमने नाम दिया इसको इकाइनो डरमेटा कहा, कहा है याद रखिएगा सारे के सारे इकाइनो डरमेटा एडल्ट अवस्था में व्यस्क होने पर एडल्ट अवस्था में दे रेडियल सिमिट्री रेडियल सिमिट्री को दर्शाते हैं कहने का मतलब यह है कि बताइए मुझे उस ट्रिपलोब्लास्टिक एनिमल का नाम बताइए उस ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम का नाम बताइए जिसमें रेडियल सिमिट्री होती है तो गलती मत करना टीनोफोरा सिलेंटेटा मत बोल देना नहीं तो पिटाई लगेगी की सिस्टम होता है यूट्यूब ऐसा सिस्टम लॉन्च कर दे या हमारे एप्लीकेशन को ऐसा सिस्टम हो जाए कि फोन में से एक हाथ बाहर निकले और घट छट से कैसे चेट. कि गलत क्यों बोला रेडियल सिमिट्री इन ट्रिप्लो में क्या आंसर होगा ट्रिप्लो देखो बेटा रेडियल सिमिट्री फोरा में सिलेंटेटा में है, पर वो डिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लो लगा दिया दोनों को हटा के बात करना क्या बोलोगे अब इकाइनोडलमेटा का एडल्ट उसमें रेडियल सिमिट्री होगी और वो ट्रिप्लो होगा ठीक है ट्रिप कोई पूछता आपसे एनिमल एनिमल सिलोम एंड रेडियल सिमिट्री। तो हम बोलेंगे झट से क्या बोलेंगे? अच्छा ऐसे एनिमल जिनमें सिलोम भी है और रेडियल सिमिट्री भी है वो क्या हो गए वो इकाइनोडर्मेटा हो गए क्लियर ठीक है तो क्या कहा मैंने आपसे कि इनमें हमको रेडियल सिमिट्री देखना अच्छा बताओ मेरे को समझो पहले के मैं बताऊंगा आपको सब चीजें पढ़ाऊंगा पहले आप कॉन्सेप्ट समझो मैंने कहा यदि एडल्ट में रेडियल तो क्या आपको हेड देखने मिलेगा क्या आपको हेड देखने मिलेगा हेड देखने नहीं मिलेगा रेडियल में हेड नहीं होता है बायोलेक्ट्रल सिमिट्री में आपको हेड देखने मिलेगा इसमें हेड नहीं होता है मतलब ऐसे एनिमल yes, इनमें सिर नहीं होता है चलो यह भी समझ में हमको आया मतलब इनमें हेड सिफिलाईजेशन इनमें हमको देखने नहीं मिलेगा है ना अच्छा बताओ और एक, और सबसे बड़ी बात है इनमें एक अद्भुत चीज होती है कि इसको आप इनमें इन इनमें ये ये जिसे मान लो स्टारफिश है आपने इसका एक आर्म आर्म पकड़ लिया तो ये अपना आर्म आपके हाथ में छोड़ के भाग जाएगी हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि कोई ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो हमने अपना हाथ छोड़ा मर्जी से और निकल गया और चार दिन बाद नया हाथ आ गया ऐसा होता है क्या भाई कोई ने हमारा हाथ पकड़ा और इमेजिन कीजिए कि आपने बोला छोड़ दे हाथ नहीं छोड़ा तो आपने अपना हाथ छोड़ा और निकल गए और आठ दिन बाद नया हाथ आ गया ऐसा होता है नहीं होता ना ऐसा पर स्टार की जिंदगी में ऐसा होता है स्टार आपने पकड़ा तो वो अपनी आर्म छोड़ के बोलेगी तू ही रख ले भाई जा रहा हूं स्टार फि चली गई नया आर्म आ गया ऑटोटॉमी की सुविधा होती है इनमें कि ये अपने शिकारी से जान बचाने के लिए शिकारी ने पकड़ लिया तो याद अब इनमें ऐसा क्यों होता है ये स्लो मूविंग होते हैं धीमी गति से मूव करने वाले होते हैं इनमें स्पेशल टाइप के मूवमेंट के लिए के हैं हम बोलते हैं, बोलते हैं। होता है। पानी को इकट्ठा करते हैं पंप करते और उसके थ्रू ये प्रेशर क्रिएट करते और फिर ये मूव करते जानने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा और यदि जानने का मन नहीं कर रहा है तो चलो बंद कर दो भाई ठीक है खोल लो किताब रट लो और जानने का मन कर रहा है तो साथ साथ मिलकर जानते हैं है ना चलो है ना ये देख रहे हैं आप ब्रिटल स्टार ये भी है के के समान दिखाई पड़ रहा फिर आप देख रहे हैं आपको दिखाई पड़ा अगेन ये भी इकाइनो डरमेटा है ना फिर देख रहे हैं आप सिक कुंबर देख रहे हैं आप ठीक है ये भी इकाइनो ठीक है ना फिर आप देखने आप देखने, आप देखने, आप देखने, अब आप बोलेंगे सर इसमें हमको वायलेटर सिमेट्री दिखाई पड़ नहीं बेटा ये ऊपर से ना इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे में दिखाई पड़ रहा है तो ऊपर से काटेंगे किसी प्लेन से बराबर बढ़ जाएगा रेडियल सिमेट्री इसमें ठीक स्मेट है देखिए अब इंटरेस्टिंग बात ये ऐसे एनिमल हैं जिनमें हमको

स्टारफिश स्टारफिश के कंकाल आपको ये देखने मिल रहे हैं ठीक है ठीक फिर इनमें मैंने आपसे कहा ना इनमें यूनिक टाइप का इनमें यूनिक टाइप का आपको जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने मिलेगा आपको इनमें विशिष्ट प्रकार का हमको जल संवहनी तंत्र देखने मिलेगा जिसमें वाटर को अंदर लेंगे अंदर लेने के बाद वाटर में प्रेशर को क्रिएट करेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेंगे क्या करेंगे ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेंगे के देखो इसमें हमको कुछ यूनिक हिस्से दिखाई पड़े से एक दिखाई पड़ रहा है हमें मेड्रेपोराइड दिखाई पड़ रहा है क्या ठीक है मेड्रेपोराइड दिखाई दे रहा है इसके अंदर के जो वाटर वाटर जो के के लिए एक ओपनिंग है

तो क्या करते हैं हम हम उसमें जो है वो पूरा रंग को भरते अंदर भरने के बाद क्या करते हैं हमने रंग को भरा अंदर और हम उसको प्रेस करते हैं प्रेस करते हैं तो सामने की ओपनिंग से एक वाटर का के जो जो जल जल की धार या तेजी से वाटर बाहर निकलता है निकलता है आप समझ लीजिए कि ऐसी हजारों हजारों लाखों पिचकार कई पिचकारियां इसके अंदर लगी होती हैं वाटर को भरेगा अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा तो तो वाटर बाहर निकलेगा तो उस दबाव से ये काम करेगा ठीक है ऐसा वाटर वेस्कलो सिस्टम देखने मिलता है इसीलिए इसने अपना वाटर वेस्को सिस्टम इतना अधिक डेवलप कर दिया है कि बोलता है भैया हमको कोई एक्सक्रिटरी सिस्टम की अलग से आवश्यकता नहीं है ठीक कोई हमको अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं चाहिए सारा काम इससे ही संभाल लेंगे तो वाटर वैस्को सिस्टम का लेकिन प्रकृति में जब इसको इवॉल्व किया भगवान की प्रयोगशाला में काम चल रहा होगा बनाया इसको कि चलो वाटर से काम करके देखते हैं। लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा इसलिए बाद में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ उसी को इवॉल्व किया गया फिर ठीक है

ट्यूब फिट मतलब ये आप देखिए बारीक बारीक करता है और इससे वाटर करंट बाहर निकलेगा में और ये मूवमेंट में, 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 में भी हेल्प करते हैं देख रहे? का जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमिट्री को शो करता है इकाइनोडोट का एडल्ट होता है, वो रेडियल को शो करता है लेकिन लार्वा जो होता है वो बाइलेट्रल सिमिट्री को लार्वा शो करता है लार्वा बाइलेट्रल सिमिट्री को शो करता है ठीक है जो एडल्ट है वो रेडियल सिमिट्री को शो करता है और जो लार्वा है वो बाइलेटल सिमिट्री को शो करता है यूनिक पॉइंट है दिमाग रखना, में रखना एग्जाम में पूछा था मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है देखिए अब इसके मेंबर क्या क्या है स्टार फिश ब्रिटल स्टार सी लिली ठीक है सी और इकाइनोइड्स, ठीक है ना जो देखा था ना बड़ा फुटबॉल के साथ वो इकाइनोइड्स के सी कुंबर जो है इकाइनॉइड सी लिली ब्रिटल स्टार स्टार फिश सब इकाइनोडर में आते हैं ठीक है चलिए अब इकाइनस का मतलब क्या होता है मैंने बताया आपको शुरुआत में लेक्चर के शुरू में स्पाइन मैं कई चीजों को बेटा दो दो तीन तीन बार रिपीट करता हूं लोगों को लगता है कि सर ने एनिमल किंगडम का लेक्चर सर लंबा खींच देते हैं तो ऐसा नहीं है बेटा मैं दो तीन बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि लेक्चर में ही आप याद कर लें ताकि आप लेक्चर में ही याद कर लेके तो इकाइनस मतलब स्पाइनी डरमा मतलब स्किन मतलब ऐसे मतलब सारे एनिमल में स्पाइनी स्किन होती है टर्म इकाइन को दिया था जैकब क्लीन नेट के सी अर्चिन के लिए पहली बार इस वर्ड का यूज किया अब ये क्या है बाउंसर क्वेश्चन है बेटा के अभी कल भी किसी ने जो है कल परसों भी किसी ने कमेंट किया लिखा सर एनसीआर से पेपर आता है क्यों एक्स्ट्रा पढ़ा रहे तो मैंने साफ साफ कहा कि भैया तू एनसीआर पढ़ ले अभी हमको पढ़ने दो सब लोगों को क्योंकि तो हमें है जो है वो हमको तो अपना सिलेबस जो है वो मेटिकुलसली कवर करना है तो एनसीआर बेटा हम 100 परसेंट पूरा ले रहे हैं लेकिन हमको क्वेश्चन देना पड़ेगा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है और आपने देख लिया अभी एन टी आई कोई आप लंबा ट्रस्ट नहीं कर सकते आपके उनके डेटाबेस में बहुत क्वेश्चन एड किया बार बार एक ही बात मैं बोल रहा हूं आपसे और याद रखना बेटा इसीलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं हमको वो पोर्शन कवर करने पड़ेंगे जो प्रीवियस

ट्वेंटी ट्वेंटी का ही सॉल्व करेंगे तो भैया ऐसा है कि एग्जाम में पेपर बनाता है ना तो पिछले दो करंट तीन चार साल के पेपर छोड़ के आगे वाले पेपर का रेफरेंस लेता है वो इसलिए एकदम अलर्ट रहिए बेटा ठीक है ना मजाक मत समझिए 2015 का 2015 का 16 का 14 का पेपर उठा के देखिए एकदम जो है वो जबरदस्त पेपर है और वैसा पेपर कभी भी है ऐसा नहीं।, नहीं कि हम पैटर्न को चे वो पेपर उठ के वैसा आ सकता है एग्जाम में इसलिए एकदम अलर्ट रहिए बिल्कुल भी ये आराम तलबी में मत पड़िए कि हम तो इतना ही करेंगे नहीं

डॉलर और सी अंदर शामिल है और यह हमको नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्योंकि कौन बिलोंग नहीं करता है कौन सा बिलोंग करता है तो ये सारे नाम एग्जाम में आतेटा तो होते हैं फीदर स्टार इकाइन होते हैं सी स्टार इकाइन होते हैं ब्रिटल स्टार इकाइन होते हैं सी, इक है। सी अर्चिन इकाइन होते हैं सेंट डॉलर

एक्सक्लूसिवली मैराइन के ये आपको कभी भी नेवर प्रेजेंट इन फ्रेश वॉटर यह फ्रेश वॉटर में देखने आपको नहीं मिलते हैं आपको यह एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल होते हैं और यह समुद्र की गहराई में जाकर रहते हैं प्रेजेंट एट दॉटम बॉटम ऑफ ओशियन के इस समुद्र के बॉटम में जाकर रहते हैं बैंथोस होते हैं बैंथोस मतलब ऐसे एनिमल जो समुद्र की तली में जाकर रहते हैं उनके और इसीलिए इनकी सिमेट्री रेडियल भी होती है क्योंकि क्या होता है जो जितनी गहराई में जाकर रहेगा ना एनिमल उसको उतना अधिक पानी का दबाव सहन करना पड़ेगा और वो उस प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडियल सिमेट्री रखता है आपको सिंपल सा फिजिक्स है कि जितना अधिक वाटर का टेबल का दबाव होगा ना तो उतना उस प्रेशर को एक सब जगह पे इक्वलाइज करने के लिए रेडियल बेटर स्ट्रक्चर इसलिए इनमें रेडियल देखने मिलती वो क्या सभी सभी, होते हैं बेटा सभी के सभी जो है वो ड्यूटोरोस्टोम होते हैं दे ऑल आर ड्यूट्रोस्टोम मतलब एनस ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनता है बाद में जो है वो माउथ बनता है ये कॉल्टा के समान फीचर है और यही

एडल्ट में रेडियल सिमिट्री होती है और लार्वा में बाइलेट्रल सिमिट्री होती है

ठीक है इसके अलावा इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने मिलता है तो कभी भी बेटा एग्जाम में कंफ्यूज मत होना वाटर केनाल सिस्टम होता है पोरीफेरा में यहीं पे कहीं लिख लो वाटर कैनाल सिस्टम होता है पोरीफेरा में ठीक है बेटा कंफ्यूज मत होना और वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इकाइनो डरमेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है क्लियर चलिए इनके बॉडी में हमको कई तरह के शेप देखने हैं ये स्टार के समान होते हैं ठीक है मेलन के समान होते हैं चाहे हमने कहा वाटर मेलन के उनको गोल दिखाई पड़ रहे हैं हमको दिखा था हमने दिखाता के डिस्क समान होते हैं फ्लावर लाइक होते हैं और कई और भी कई शेप देखने मिलते हैं इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है बॉडी में आपको मेटामेरिज्म देखने नहीं मिलता इनकी बॉडी होती है अनसेगमेंटेड होती है ठीक और इनमें होती है पेंटामेरस रेडियल सिमिट्री अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ इनकी जो सिमिट्री होती है वो पेंटामेरस रेडियल सिमिट्री होती है इनमें हमको पांच आर्म देखने मिलेंगी पांच हिस्से देखने मिलेंगे या मल्टीपल ऑफ फाइव फाइव के मल्टीपल में देखने मिलेगा हमको बॉडी पार्ट अरेंज इन फाइव और मल्टीपल ऑफ फाइव बॉडी पार्ट पांच होते हैं या पांच के मल्टीपल में होते हैं तो ये रेडियल सिमेट्री इसमें हमको देखने मिलती है ठीक है ना फिट विशेष प्रकार के इनमें हमको ट्यूब फिट देखने मिलते हैं इनको पोडिया भी कहते हैं याद रखना भूलना नहीं एन बताऊंगा चिंता मत करो एनसीआर टी पूरी 100 परसेंट देखेंगे ठीक है, चिंता नहीं करो अभी ये बड़े यूनिक फीचर है दिमाग में डाल लीजिए बेटा कि के, के इनमें हमको पिक्युलर टाइप के पोडिया या ट्यूब फीड हमको देखने मिलते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ठीक है ट्यूब फीड जनरली टे हुए थे गोल क्षेत्र होता है वहां से ये बाहर निकलते दिखाई पड़ते हैं दिस ट्यूब फिट आर एक्सटेंडेड एंड रिट्रिक्टेड बाई वेरियशन इन हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ फ्लूड मैंने कहा ना यहाँ पर वाटर के द्वारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को क्रिएट करते हैं और उसी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण ये मूव कर सकते हैं तो उससे मूव करते हैं तो क्या लिखा इसमें कहा ट्यूब फिट एक्सटेंड कर सकते हैं रिट्रैक्ट कर सकते हैं ठीक है अपने अंदर प्रेजेंट जो फ्लूड है जो इसके वाटर वेस्टो सिस्टम में कैविटी में प्रेजेंट है उस फ्लूड का प्रेशर चेंज करके ये अपना मूव कर सकते हैं और जमीन पे होंगे अब ये तो वाटर पानी के अंदर वाटर के अंदर स्टारफिश थोड़ा सा तेज चल सकता है क्योंकि उसके पास में ये वाटर होता है प्रेशर करेगा और प्रेशर क्रिएट करेगा और आगे निकल जाएगा ठीक है लेकिन जमीन पे भी चल, जब मान लो जमीन जमीन पे आप जमीन पे पानी कैसे लाएगा क्योंकि ऊपर से वाटर तो अंदर हो नहीं रहा ना मान लो जमीन पर से निकल के वो मान लो जो है वो बीच पे आ गया मान लीजिए आ गया तो तो क्या होगा तो होता यह है उस समय ये मूव करने के लिए वापस पानी में जाने की कोशिश करता है तब इसके ट्यूब फीड में जो मसल्स होती है वो चलने में इसको हेल्प करती है देखिए

ये जो है इसका वाटर इतना डिटेल में नहीं जाना के हमें केवल समझना है एक बार आप समझ लो बेटा इतना डिटेल में, आप में का नाम के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में में ऑप्शन लिखा आ सकता है पूछ सकते हैं तो अभी जो मैं कह रहा हूं जहां समझा रहा हूं वहां तक समझने की कोशिश कीजिए ठीक है अब देखिए आप ये एनिमेशन में दिखाई पड़ रहा है हमको किस प्रकार से ये जो है वो स्टार फिश जो है इस जमीन पर मूव करती है देखिए मस्कुलर कॉन्ट्रक्शन से मूव कर रही है हेलो एवरीवन My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture.

एपिडर्मिस जो है उसके वो एक मोटी डर्मिस लेयर के नीचे होती है और इसमें क्या होता है इसमें एंडोस्केलेटल हमको देखने मिलता है जो ऑसिकल्स होते बोन्स हमको देखने मिलती है क्या लिखा बेटा देखो एपिडर्मिस एक परत वाली होती है सीलिया होता है एपिडर्मिस मतलब जो मोटी डर्मिस परत के ऊपर होती है डर्मिस के अंदर देखिए डर्मिस के अंदर हमको एंडोस्केलेटल एंडोस्कलेटल जो कैल्शियम से बना हुआ एंडोस्केलेटल डर्मिस लेयर के अंदर देखने मिलता है हमको। इसकी जो प्लेट्स होती हैं, जो कैल्शियम से बनी प्लेट होती हैं, वो स्पाइनी नुकीली होती है, एन है।, है, है।, है क्योंकि डर्मिस के अंदर प्रेजेंट है तो एपिडमिक सिंगल लेड है तो हमको उभार बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं तो स्पाइनी स्किन दिखाई देती है ठीक है फिर मसल्स इसमें स्मूथ होती है जो डर्मिस के नीचे पाई जाती हैं आप देखो एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब इसमें क्या होता है मान लो इसकी अब इसमें तो क्या है कि वाटर के अंदर एंट्री वाटर का बाहर निकलना सब कुछ बड़ा स्किन को बड़ा साफ रखना पड़ेगा क्योंकि पूरा खेल तो उसी चीज पे कि वाटर की एंट्री हो रही है वाटर बाहर निकल रहा है तो अब इसमें क्या होता है इसमें कुछ बारीक बारीक ओपनिंग है ने? अपनी स्किन को अपनी स्किन को साफ रखने के लिए इसमें बारीक बारीक ओपनिंग होती है उन ओपनिंग्स को बोलते हैं हम जो है बोलते हैं मिनिट पिंसर लाइक स्ट्रक्चर के बारीक बारीक छोटे छोटे वॉल्व जैसे वॉल्व के समान स्ट्रक्चर होते हैं मिनिट पिंसर लाइक स्ट्रक्चर कार्ड पेडी पेडिसलरी ये हमको देखने मिलता है जो स्किन से बाहर निकले होते हैं ठीक है और ये बॉडी सरफेस को साफ रखने में हेल्प करते हैं समुद्र की तली में रहते हैं बॉटम रहते हैं तो वहां पे धूल मिट्टी रेत इसके ऊपर ना लग जाए तो ये अपने सरफेस को साफ करने के लिए जो है उसमें बारीक बारीक जो है वो ओपनिंग रखते हैं वॉल के समान जहां से पानी बाहर निकलता है और ये अपनी सर्फेस को साफ कर लेते हैं समझ में नहीं आ रहा ना देखो मैं समझाता हूँ देखो ध्यान से ये डरमेटा का सरफेस दिखाई पड़ रहा है ठीक है आपको दिखाई दे कई सारे देखो स्पाइन इसके आप स्पाइनी स्किन को देख रहे हो ये सब क्या ये इस्पाइन है ये सब स्पाइन है ये स्पाइनी हिस्से आपको दिखाई पड़ रहे हैं फिर देखिए गौर से देखिए एक सा आपको दिखाई पड़ रहा है एक छोटा सा ओपनिंग वॉल्व के समान आपको ओपनिंग दिखाई पड़ रहा है इसको देखिए ये भी वही ओपनिंग है वॉल्व के समान ये भी वॉल्व के समान ओपनिंग है

जो इकाइनोडर्मेटा की सिलोम होती है उसमें द्रव भरा होता है और ये सिलोम फ्लूड जो होता है वो गैस ट्रांसपोर्ट और फूड, फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है और इसके अंदर हमको जो है सेल्स देखने मिलती हैं ठीक है देखिए याद है मैंने आपसे कहा था बेटा कि जो आपका साइजो सिलोम है जो साइजो सिलोम है बेटा वो कैसे बना वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है ठीक है, जबकि प्रिमिटिव गट प्राचीनतम गट से होती है उससे जो सिलोम बनता है उसके थ्रू जो सिलोम बनता है वो क्या बोला जो उससे मिडियम डेवलप होगा और फिर सिलोम बनेगा उसे बोलते हैं हम एंटेरोम में जो ड्यूटरोस्टोमिक एनिमल होते हैं उनमें आपको एंटरोसिलोम देखने मिलती है और प्रोटोस्टोम में आपको जो है वो साइजोसिलोम देखने मिलती है दिमाग में डाल लेना इस बात को वो है जिनमें पहले एनस बनता है ब्लास्टोपोर से बाद में माउथ बनता है प्रोटोस्टोम में पहले माउथ बनता है बाद में एनस बनता है ये सब बातें याद रखनी है बेटा ये एनिमल टैक्सोनॉमी के बेसिक्स हैं ठीक है थीके? ए पार्ट ऑफ सीलोम इज मोडिफाइड इनटू यूनिक वाटर फील्ड एम्बुलकरल और वाटर वेस्कुलर सिस्टम याद रखिएगा इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम के लिए एक वर्ड यूज करते हैं सिस्टम के, के लिए हम एम्बुलेक्रल वर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं और इसमें हमको ट्यूब फिड देखने मिलते हैं जो लोग मोशन में हेल्प करते हैं तो सिलोम का ही एक हिस्सा है सिलोम का ही एक हिस्सा जो है वो एम्बुलेक्रल के रूप में डेवलप होता है लेकिन उस हिस्से में सिलोम फ्लूड नहीं भरा होता उसके अंदर पानी भरा होता है जो वॉटर वेस्कुलर सिस्टम को बनाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है डर्मेटा के सबसे यूनिक फीचर होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं रेस्परेशन में हेल्प करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के और इनमें क्या होता है कि वाटर की एंट्री के लिए मैंने कहा ना पानी की एंट्री का एक पॉइंट होता है मेड्रे प्रोवाइड करते हैं वाटर की एंट्री का एक पॉइंट होता है मेड्रे प्रोवाइड करते हैं याद है आपको हमने पोरीफेरा में देखा था ऑस्टिया होता है

भले इसे ही एग्जाम में डायरेक्टली ये नहीं आएगा पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे कि आप में से कई बच्चे सोचते हैं कि सर जो पढ़ाएंगे दो का पहाड़ा पढ़ाएंगे टू, टू टू, टू, टू एग्जाम में टीचर पूछेगा आपसे चलो टू का का पहाड़ा सुनाओ चल का गाना गा का के सुनाओ ऐसा नहीं होता ना आपको एग्जाम निकालने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप एग्जाम को फोड़ के आएंगे निकालेंगे नहीं आप सेवन ट्वेंटी आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी लेके आएंगे तो उसके लिए बेटा हमको एफर्ट करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी बुटके तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे आप रट लें कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है थोड़ा भी आगे पीछे कुछ हो तो हिल जाएंगे हमको पता तो हो कि वो होता क्या है कि ये तो हमको मालूम होना चाहिए ना बेटा टे तो मैंने क्या आपसे मेड्रोपोलाइड वाटर का एंट्री पॉइंट है फिर वाटर एंटर किया अब अंदर वाटर एंटर करने के बाद में इस ट्यूब के अंदर वाटर आ गया अब ये ट्यूब जो है ना इसमें वाटर को प्रेशर क्रिएटर मस्त जो है वो उस प्रेशर से वो लगातार वाटर को अंदर ले रहे हैं अंदर एक दबाव क्रिएट हो रहा है और उस दबाव को फिर वो वाटर बाहर निकलेगा ट्यूब फिट के थ्रू फिर वाटर आगे मूव करेगा वो ए, एनिमल मूव करेगा उससे ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट होता है पाचन तंत्र में माउथ जो है वो नीचे की और एनएस डॉट में होता है याद रखना है इंपॉर्टेंट डेट के स्टार फिश में ऊपर की सरफेस पे होता है बेटा अंडर डॉर्सल सरफेस पे एनस होता है वेंट्रल पर माउथ होता है ठीक है फिर एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर ब्रिटल स्टार में डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री एलिमेंट सीधी या में हो सकती है वही जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वही जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ट्यूब फिट के थ्रू वाटर के, वाटर जो आता है अंदर फिर मूव करता है उसी के थ्रू ऑक्सीजन को ले लेते हैं के. फिर स्टार पर एक्सेप्शन याद रखिए ये एक्स्ट्रा स्ट्रोक है ठीक एक्स्ट्रा स्ट्रोक है एक्सेप्शन वाले पॉइंट कभी कभी एग्जाम्पल ऐसा पूछ लेता फिर के जब स्पेसिफिकली पूछेगा तो आपको बतलाना है कि स्टार फिश में डर्मल देखने मिलते हैं रेस्पिरेशन के लिए ठीक है ब्रिटल स्टार में जेनेटल वर्षा देखने मिलता है सी अर्चिन में परिस्टोमल गिल देखने मिलते हैं सी कुंबर में क्लोएकल ट्री देखने मिलता है बस डिटेल में नहीं जाना हमको चार ऐसे एक्सेप्शन है में जिनमें आपको रेस्पिरेशन जो है वो अलग अलग प्रकार से आपको देखने मिलता स्टार अर्चिन में डर होते हैं सी अर्सिंग होता है लेकिन मोस्ट ऑफ दी डिटा में जो वाटर वेस्को सिस्टम के अंदर जो ट्यूब फिट होते हैं वही उसमें हेल्प करते हैं ठीक है सर्कुलेटर सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप होता है ग्रेटली रिड्यूस होता है इसको हम हीमल सिस्टम कहते हैं हीमल सिस्टम कहते हैं बहुत कम क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं होती उसकी इतना कम डेवलप होता है तो ये ग्रेटली रिड्यूस होता है ओपन टाइप का होता है ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते इसमें हार्ड भी नहीं होता है कोई पंपिंग वेसल भी नहीं होती है और इसका गैस ट्रांसपोर्ट में कोई रोल ही नहीं होता है तो इसलिए ये कोई सिग्निफिकेंट ही नहीं है जो सर्कुलेटरी एंडरमेटा में प्रेजेंट है क्योंकि कारण ये है कि ये ग्रेटली रिड्यूस है क्योंकि इसका पूरा काम है, इसका जो पूरा काम है वो किसने संभाल लिया वाटर वैस्कुलर ने वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका पूरा काम संभाल लिए होते हैं ठीक है एक्सक्रिट सिस्टम एबसेंट क्यों एबसेंट है क्योंकि भैया जो भी ये पानी अंदर आ रहा है वाटर में घोल के बाहर निकाल दो तो अमोनिया को बाहर रिलीज करते हैं ट्यूब फिट जो होते हैं वो को बाहर निकालने में भी रोल प्ले करते हैं अब ये ट्यूब फिट क्या चीज है से वाटर अंदर आया अंदर किनाल में वाटर गया और फाइनली वाटर बाहर कहां से निकलेगा ट्यूब फिट में बारीक बारीक पिचकारी के समान मैंने बताया वहां से बाहर निकलेगा जो निकालना बाहर निकाल दीजिए वहां से ठीक है ना नर्वस सिस्टम डिफ्यूज क्योंकि हेड नहीं है तो सब जगह बिखरा हुआ होता है वो हेड होगा तो एक जगह पर कंसंट्रेट करेगा वो डिफ्यूज होता है और उससे बैलेंसिंग जो, जो के लिए होगा और आई स्पॉट होगा जो लाइट के अकॉर्डिंग मूव करने में हेल्प करेगा टेक्टाइल टेंटकल्स होंगे तो वो टेंटकल जो है सरफेस पे होंगे तो वो टेंटकल्स जो है शिकार को, को पहचानने में आसपास की इन्वायरमेंटल कंडीशन को महसूस करने में हेल्प करेंगे ठीक है ना रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो इकाइनोडरमेटा है मोस्टली डायोसिस होते मतलब दो की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं दोनों देखने में एक समान है मतलब इस जो इकाइन में आप मेल इकाइनोडर्मिटा और फीमेल इकाइन को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे देखने में एक समान है मतलब इनमें सेक्सुअल डाइमोर्फिल देखने नहीं मिलता है इनमें पॉपुलेशन नहीं होता है ये अपने गेमिट पानी में बाहर छोड़ देते हैं तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है डेवलपमेंट लार्वा के थ्रू होता है मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है याद रखना है सारे पॉइंट सारे पॉइंट बेटा याद रखना है भूलना नहीं है ठीक है चलिए फिर इनका लार्वा क्या होता है बाईपिनेरिया स्टारफिश का लार्वा होता है वेरी वेरी आईएमपी ठीक है स्टारफिश का लार्वा होता है ठीक है

एडल्ट में रेडियल सिमिट्री है लार्वा में बाइलेट्रल सिमिट्री हमको देखने मिलती है ठीक है फिर जो लार्वा होता है उसमें बाइलेट्रल सिट्री होती है सीलिया सीलिया लार्वा के अंदर पाए जाते हैं बायलेट्रल सिट्री वाला लार्वा होता है जो मेटा में भाग लेता है और रेडियल सिमिट्री वाले एडल्ट में डेवलप होता है ठीक है इकाइनो में आपको पावर ऑफ रीजनरेशन देखने मिलता है मतलब कोई हिस्सा का जो टूट जाता है तो वो दोबारा से वो रीजनरेट कर लेता है क्या सभी इका स्लो मूविंग एनिमल होते हैं आपको परजीवी के रूप में नहीं पड़ेगा और कोई भी कॉलोनी बनाकर नहीं रहता है इनमें हमें ऑटोटोमी देखने मिलता है और रिजनरेशन देखने मिलता है ऑटोटोमी के बारे में आपको बताया था ना कि भाई अपना हाथ कोई पकड़ा तो अपना हाथ छोड़कर निकल ये कैसा करता आर्मी कोई शिकारी नहीं पकड़ ली आर्म छोड़ के आगे बढ़ जाता है मतलब

इसमें देखिए सेंट्रल डिस्क दिखाई पड़ रहा है और से हमें शार्पली कई को -like कोई आर्म इसमें नहीं होते अब इसमें से क्वेश्चन आता इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया बेटा जो दिमाग में रखना है हमको वो पॉइंट है हमारा एरिस्टोटल लालटेन के पूछते हैं कॉमन क्वेश्चन के

के अंदर देखने मिलता है क्या? 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 किस तरह का ऑर्गन होता है ये चबाने वाला ऑर्गन होता है तो याद रखना ये सब एक प्रि... देखो बेटा जो बता रहा हूं ये सब प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ हैं है

एनसीआरटी लाइन टू लाइन याद कर लो अरे भैया लाइन का मतलब ये कि तुम लाइन को समझो इतनी पतली पतली किताब पर नब्बे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको वो मतलब कुछ मतलब है उसका कि उस लाइन को समझिए आप एनसीआर को सम का म... पढ़ने का मतलब है एनसीआरटी को समझना रटना नहीं है उसका मतलब समझ गए ठीक है चलिए आगे बढ़ते इसमें हम फाइल दीज एनिमल्स हैव

ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनेशन देखने मिलता है कोई डाउट नहीं इसमें ठीक है एडल्टिटा में रेडियल सिमिट्री होती है लार्बा में बाइलेटर सिमिट्री होती है हमने इमेज भी देखा दो दो बार देखा हमने ठीक है ट्रिप्रोप्लास्टिक होते हैं सीलोमेट एनिमल होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है माउथ जो है वो लोअर साइड होता है विंटर सर्विस होता है और एनस जो है वो अपर साइड पर होता है देखा ना अभी हमने ठीक है फिर सबसे यूनिक मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होता है इनका वो होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वॉटर तो हमने देखा देखा रिंग केनाल देखा ट्यूब केनाल देखा और ट्यूब फिट को देखा हमने यहां पर जो क्या काम करता है लोकोमोशन में हेल्प करता है है ठीक शिकार को पकड़ने में हेल्प करता है फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है इनमें एक्सक्रीट स्टम नहीं पाया जाता है ये भी देखा हमने देखा ना फिट मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का होता है

और एम्स पा जाता समझ गए इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता थोड़ा पड़ जाता तो कुछ नंबर और ले आता हो सकता है तेरे को एम्स मिल जाता ठीक है इसलिए पढ़ लेना चाहिए बुरा नहीं है ना क्लियर चलो है ना मैं अच्छा नहीं गाता हूं मुझे मालूम है मेरी आवाज भी अच्छी नहीं है मैं अच्छा नहीं गाता हूं ठीक है लेकिन आपके लिए कुछ भी करेंगे ना यार ठीक है चलो एग्जाम्पल देखो लंबी लिस्ट एग्जाम्पल की सबका जिक्र किया हुआ है मैंने पहले एस्ट्रियाज स्टारफिश कॉमन नेम अर्चिन साइंटिफिक नेम इसडोनबर सबको देखा हमने क्लास के लेवल तक देखा हुआ है है. इसको क्लियर? ठीक चलिए देखिए आप है ना तो एनसीआर में दो इमेज देखे एक स्टार फिश देखा उन्होंने दूसरा ऑफ यूरा ब्रिटल स्टार ब्रिटल स्टार उन्होंने स्टारफिश में ठीक है ना बेटा याद रखना हमको क्लियर पहचान लेंगे ना इसको ठीक है चलिए बात खत्म इतना पढ़ना है मैं इकाइनो दर्मिटा के बारे में बताओ मेरे को क्या कठिन है इसमें कई सारी बातें आप जो जितना एनसीआरटी में लिखा है उतना आपने लेक्चर के दौरान ही याद कर लिया है अब आपका चैप्टर हो गया क्लोज अब शाम को डीपीपी लगाएंगे बात खत्म है ना फिक्स अब क्या टेंशन इसके बाद कोई टेंशन नहीं बेटा है ना तो पढ़ते रहो मेहनत करते रहो ऑल दी बेस्ट Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.